तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम को जैसे कि इस मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया है। यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिखाई देता है। दोस्तों हम इसको कैसे रिमूव कर पाएंगे आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों, इंस्टाग्राम जैसे ही अपडेट हुआ है तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर खलबली मच गई, क्योंकि सेटिंग जो है इधर की उधर हो गई है। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सी सेटिंग कहाँ पर क्या है। तो दोस्तों इसीलिए ये बहुत ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो को पूरे इन तक देखना ताकि आपको भी पूरी सेटिंग समझ में आ जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जब आप इंस्टाग्राम को ओपन करोगे तो यहाँ पे होम पेज पर इस तरीके से आओगे। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको अकाउंट लोगो पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जहाँ पे देख सकते हो क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आपको पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे कुछ अलग अलग सेटिंग दी गई थी जो आप यहाँ से इस तरीके से रेड कलर का दिखाई देता था, वहाँ से आप करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। इसको भी दोस्तों लाने के लिए भी अब मैंने वीडियो बना दिया है कि आप कैसे डैशबोर्ड को ला सकते हो, क्योंकि ये पहले ही ऑप्शन नहीं आता है। वहाँ पे आपको नीचे जाने है, बहुत कुछ उसमें सेटिंग करनी होती है। तो अगर वीडियो आपने उसको नहीं देखा है कि कैसे चालू किया जाता है, तो वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो तीसरे नंबर पर स्विच अकाउंट टाइप का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे स्विच टू पर्सनल अकाउंट है, तो इस पर मैं अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा, स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा। इतना करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्विच टू पर्सनल अकाउंट मेरा हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों अगर वो प्रोफेशनल था, ये पर्सनल हो गया है। अब एक बार बैक करके देख लेते हैं हुआ कि नहीं, नहीं तो कोई और सेटिंग हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा डैशबोर्ड का जो सेटिंग था हट गया है, रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने प्रोफेशनल मोड को हटाना है, डैशबोर्ड को कैसे हटाना है, वो समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते दोस्तों नए वीडियो में नेट टेक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।